टॉपिक स्टार्ट करते हैं टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्लास ट्वेल्थ का सो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेसिकली सो इट इज अ फंडामेंटल रूल रिलेटिंग टू मार्जिनल प्रॉबिलिटीज टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज तो ये होता क्या है लॉ ऑफ टोटल प्रॉबिलिटी बेसिकली सो लॉ ऑफ टोटल प्रॉबलिटी समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले दो तरीके के इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूजिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा सबसे पहले हमको सो so, देखिए ये दिया है इफ ईवन ई टू ई थ्री आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्जॉस्टिव इवेंट्स अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते क्या हैं सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अगर हमको इवेंट्स दिए हुए हैं और इन इवेंट्स का यूनियन करने पे सॉरी एक्सक्लूसिव में क्या होता है एक्सक्लूसिव में अगर हमको इन इवेंट्स का जो ये हमको इवेंट्स दिए हुए हैं इन इवेंट्स का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालें दैट इज ई वन इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री इंटरसेक्शन जितने भी इवेंट्स दिए हैं अगर इनका इंटरसेक्शन निकालने पे फाइव के बराबर आता है तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं क्या ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सो so कुछ भी कॉमन नहीं होगा ठीक है सो so क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है इसीलिए इनको कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ठीक है उसके बाद म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं सो इवेंट्स जिनका यूनियन करने पे अगर आप इन सारे इवेंट्स का यूनियन करने पे हमको सैंपल स्पेस के बराबर वैल्यू मिल जाती है पूरा सैंपल स्पेस मिल जाता है तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये होते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट सो अगर मैं आपको इसको समझाऊं वेन डाइग्राम से तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस ठीक है ये हो गया लेट से हमारा इवेंट ईवन ठीक है ये हो गया हमारा इवेंट ई टू और ये जो बचा हुआ है ये पूरा हो गया इवेंट ई थ्री तो अब यहां से देखें क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एक्सक्लूसिव का मतलब है इंटरसेक्शन यानी इनका जो कॉमन पार्ट है ओवरलैपिंग पार्ट है वो कुछ नहीं होना चाहिए कोई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना चाहिए सो so यहाँ से ईवन अलग है ई टू अलग है ई थ्री अलग है तो ये ओवरलैपिंग नहीं है सो so इनका इंटरसेक्शन करने पर फाइव के बराबर आएगा तो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हो गया कि अगर इन सबको एड कर दिया जाए तो ऐड करने पे हमको क्या मिल जाएगा ऐड करने पे हमको टोटल सैंपल स्पेस मिल रहा है तो ये हो गए म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये हमने क्लास इलेवेंथ याद नहीं था इसलिए मैंने आपको दोबारा से समझा दिया ठीक है सो लॉ ऑफ टोटल प्रॉबर्टी समझने के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए अब अगर इवन ई टू थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं जो किसी सैंपल स्पेस एस से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे एक कोई इवेंट है ए ठीक है एक इवेंट ए है जो इसी के अंदर लाई कर रहा है इसके अंदर लाई मतलब थ्री में, में, में भी हो जो इसी सैंपल स्पेस में लाई कर रहा है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन टू ए बाईन प्लस ई टू इन टू ए बाई टू प्लस E3 थ्री इंटू ए बाई थ्री अब यह ए बेसिकली क्या है ये बेसिकली आपकी कंडीशनल है जिसमें हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं क्या ऑफ हैज ऑलरेडी अकर्ड सो कंडीशनल प्रॉबेबिलिटी से रिलेटेड है अगर आप कंडीशनल प्रॉबिलिटी पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं समझ में आता कंडीशनल प्रॉबिलिटी तो पहले वीडियो देख के आइए जो इसी चैनल पर अपलोडेड है कंडीशनल प्रॉबिलिटी का वीडियो मैं अपलोड कर चुका उसको देखिए वहां से आप ये समझ पाएंगे ठीक है चलिए आगे आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि, कि किस तरीके से करना है देखिए जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते जाइए आता जाएगा बस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा के रखना है ठीक है देखिए कह रहा है अ बैग कंटेन्स थ्री वाइट एंड टू ब्लैक बॉल्स वाइल बैग बी दो बैग दिए हैं लेट्स से दिस इज इसको यहाँ ऊपर बना लेते हैं ये है बैग ए ये है बैग बी ठीक है सो बैग ए में कह रहा है वाइट और ब्लैक बॉल्स हैं थ्री वाइट और टू ब्लैक बॉल्स हैं और बैग बी में टू वाइट एंड फाइव ब्लैक बॉल्स हैं वन ऑफ द बैग्स इज चोजन एट रैंडम इनमें से दोनों में से एक कोई बैग रैंडमली चूज किया जा रहा है एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट और उसमें से एक बॉल निकाल ली जा रही है कह रहा है क्या प्रॉबिलिटी है कि जो बॉल है वो वाइट कलर की है ठीक है अब देखिए इसमें करना क्या होता है सो फॉर्मूला क्या है उस फॉर्मूले के हिसाब से समझते हैं सो फॉर्मूला है हमारा बेसिकली फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल्स प्लस प्रॉबेबिलिटी ऑफ ई टू इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय टू अब करना क्या है देखिए ये समझते हैं सो कह रहा है यहां से दैट हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज वाइट देखिए जो चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस चीज को हम लोग मान लेंगे किसके बराबर ए के बराबर याद रखिएगा जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है उसको ए के बराबर मान लेंगे तो हमने यहां से क्या किया हमने यहां से डिफाइन कर लिया ए एक इवेंट है क्या इवेंट है बॉल ड्रॉन बॉल ड्रॉन इज वाइट बॉल जो ड्रॉन है वो कैसी है बॉल ड्रॉन इज वाइट तो बॉल जो ड्रॉन है वो वाइट है ठीक है ये हमेशा ले लेंगे ए जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम लोग मान लेंगे इवेंट ए सबसे पहले ए को डिफाइन करेंगे ठीक है सो लास्ट सेंटेंस पढ़ते ही आपको लास्ट सेंटेंस का जैसी लास्ट पार्ट पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा ए क्या है उसके बाद हमको आइडेंटिफाई करना है ई वन और ई टू अब देखिए ये जो बॉल व्हाइट निकल रही है ये किस पे डिपेंड करता है उसकी प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है कि वो ए बैक से निकल रही है या बी बैक से निकल रही है भाई जाहिर सी बात है अगर ए से निकलेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ अलग होगी अगर बी से निकलेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ अलग होगी तो यहां पर हमको दो इवेंट्स डिफाइन करने हैं विच आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हो गया कि उनकी प्रॉबिबिलिटीज को अगर एड करेंगे वन के बराबर आएगा ठीक है सो so, e1 और e2 हमारे दो आउटकम्स हैं दो इवेंट्स हैं इनको हमको डिफाइन करना है ये वो वाले से इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं और ये वही दोनों इवेंट्स हैं जिन पे डिपेंड कर रही है जिनके ऊपर डिपेंड कर रही है इस बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी सो so, यहां पे देखिए e1 ले लेंगे दैट बैग 1 इज 1a है यहां पे सो so बैग A ball is drawn from bag A, ball drawn from bag A, and ball drawn from bag. b ये ले लिया e2 के बराबर ठीक है सो so, e1 हो गया e2 हो गया ये हमने यहाँ पे लिख लिया अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपने फॉर्मूले के बेस पे सो so, हमको यहां से इसको सॉल्व करने के लिए e1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है e2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए e1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है a बाई टू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सो प्रॉबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा क्या प्रॉबेबिलिटी होगी कि हम जो बॉल निकाल रहे हैं वो फर्स्ट ए बैग से निकाल हैं तो देखिए हमारे पास टोटल कितने बैग्स हैं दो बैग्स हैं सो so पहले बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ सिमिलरली दूसरे बैग से निकालने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हाफ भाई अगर दो बैग्स हैं तो फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है हाफ ठीक है फिफ्टी परसेंट चांसेस है और सेकंड बैग से बॉल निकालने की प्रॉबिलिटी ये भी फिफ्टी परसेंट चांसेस है ये तो वही वाली बात हुई जैसे सिक्का उछाला हेड आने के चांसेस फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट सिमिलरली फर्स्ट बैग से बॉल निकालने चांसेस परसेंट सेकेंड बैग से बॉल निकालने चांसेस फिफ्टी परसेंट ठीक है सो so, अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे पी ईवन पी टू की वैल्यू निकल गई सो so इसकी जगह रख देंगे हाफ इसकी जगह रख देंगे हाफ इन टू ए बाईन और ए बाई टू ए बाईन का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट Given दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए देखिए इवन बाई even का मतलब हो गया the दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए ए बैग से निकलने की वाइट बॉल की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी थ्री बाय फाइव एंड ए बाई टू का मतलब हो गया probability दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट given दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी तो इसकी प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी टू बाई सेवन क्योंकि दो वाइट हैं टोटल सेवन बॉल्स बस इनको सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करके हमारा answer आ जाएगा ठीक so है नहीं कर कर रहा हूं। fractions add करने आपको आते हैं हैं या आप add कर सकते ठीक है ई वन डिफाइन करना है ई टू डिफाइन करना है उसके बाद क्वेश्चन हलुआ हो जाता है डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और आंसर आ जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन बैग पी कंटेन फोर व्हाइट एंड फाइव ब्लैक बॉल्स तो एक बैग पी है इसमें फोर व्हाइट एंड फाइव ब्लैक बॉल्स हैं क्यू कंटेन्स नाइन वाइट नाइन वाइट एंड सेवन ब्लैक बॉल्स अ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग पी टू क्यू पी so से क्यू में एक बॉल ट्रांसफर की जा रही है एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग क्यू और बैग क्यू से एक बॉल निकाली जा रही है कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल ड्रॉन है वो व्हाइट कलर की है तो देखिए हमको सबसे पहले निकालना है ए को डिफाइन करना है ए क्या है ए है जिसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग क्यू वाइट तो यह हो गया हमारा ए ठीक है अब हमारा ए ए क्या है जिसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है दैट की क्यू से जो बॉल निकाल रहे हैं उस वो वाइट है क्वेश्चन समझ में आया ना कि दो बैग दिए कह रहा है एक बॉल पी से ट्रांसफर की जा रही है क्यू में और फिर क्यू से एक बॉल निकाली जा रही है क्या प्रॉबिलिटी है दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैक क्यू इज वाइट ठीक है सो so इसके लिए हमने क्या किया इसके हमने मान लिया कि ए हो गया बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैक क्यू इज व्हाइट अब देखिए समझिए ये जो बॉल क्यू से निकाली जा रही है इसकी प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी वो इवेंट हो जाएगा ई वन और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा ई टू सो ये जो बॉल निकाली जा रही है इसकी प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है सो so इसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है कि जो बॉल ट्रांसफर की जा रही है पी से क्यू में उसकी प्रॉबेबिल वो कौन सी बॉल है समझ में आया जो बॉल पी से क्यू में ट्रांसफर की जा रही है वो व्हाइट भी हो सकती है ब्लैक भी हो सकती है ठीक है सो so, वो कैसी बॉल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहां से जो बॉल निकाली जा रही है उसकी प्रोबेबिलिटी सो so, इवन हमने ले लिया बॉल ट्रांसफर्ड बॉल ट्रांसफर्ड इज वाइट और बॉल ट्रांसफर्ड इज ब्लैक सो so, हमने इवन ई टू यहां पर बना लिया कि जो बॉल ट्रांसफर की जा रही है फ्रॉम पी टू वो ब्लैक है और बॉल जो ट्रांसफर की जा रही है फ्रॉम वो है अब बस A ई टू हमने यहां से निकाल लिए है अब बस डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेनी है सो so फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग यहां से प्लस पीई टू इन टू पी ए लिख लिया की प्रोबेबिलिटी क्या है इवन मतलब बॉल ट्रांसफर जो की जा रही है वो वाइट की जा रही है तो देखिए वाइट बॉल्स कितनी हैं टोटल फोर आउट ऑफ टोटल बॉल्स कितनी हो गई फोर प्लस फाइव नाइन ठीक है सिमिलरली पीई टू पीई टू का मतलब है बॉल ट्रांसफर इज ब्लैक सो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फाइव बाय नाइन अच्छा एक चीज हमेशा याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस ई टू यहां से अगर आप करेंगे ना तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा वन के बराबर आएगा क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूं ठीक है सो so ये आ गया वन के बराबर अच्छा ए बाईन ए बाईन का मतलब क्या हो गया प्रॉबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट फ्रॉम बैक क्यू गि दैट बॉल ट्रांसफर्ड इज वाइट तो अब देखिए अगर P से Q में वाइट बॉल ट्रांसफर की जा रही है अगर P से Q में वाइट बॉल ट्रांसफर की जा रही है तो वाइट बॉल क्यू में एक एक्स्ट्रा हो जाएगी ठीक है सो so ये जो बॉल निकाली जा रही है ये बॉल वाइट है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सो so इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 बाय सेवनटीन कैसे क्योंकि यहां पे टोटल वाइट बॉल्स हो गई 9 प्लस वन टेन और टोटल बॉल्स हो गई 10 प्लस सेवन सेवनटीन ठीक है सिमिलरली बाई टू का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैक क्यू इज वाइट गिवन दैट द बॉल ट्रांसफर्ड इज ब्लैक तो अगर बॉल बॉल ब्लैक ब्लैक है तो यहां से black ball निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है देखिए अगर बॉल ब्लैक ट्रांसफर की गई है यानी ब्लैक बॉल बढ़ गई एक बढ़ गई और जो बॉल निकाली जा रही है वो वाइट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी तो टोटल व्हाइट बॉल्स यहां से कितनी है नाइन क्योंकि बॉल्स जो नाइन थी वो तो नाइन की नाइन है ठीक है लेकिन अब बॉल जो बढ़ा दी गई वो ब्लैक में बढ़ा दी गई तो ये कितना हो जाएगा 17 तो ये हो गया 9 बाय सेवनटीन ठीक है सो यहां से आंसर आ गया 10 बाय सेवनटीन और यहां से आ गया 9 बाय सेवनटीन इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है सो ये आंसर बहुत सिंपल से होते हैं कोई दिक्कत नहीं होती नीचे कमेंट में डालिएगा क्या आंसर्स आ रहे हैं अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा इतना आप कर सकते हैं आप क्लास ट्वेल्थ में हैं ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ टोटल प्रॉबलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन देखिएगा क्या है क्वेश्चन कह रहा है थ्री दी हैं हमको ईवन ई टू थ्री दी हैं हमको E1, E2, E3 कह रहा है थ्री मशीन इवन ई टू टी इन सर्टेन फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस फिफ्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट बल्ब रिस्पेक्टिवली ठीक है ये प्रोडक्शन है बल्ब का So हम लोग मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हंड्रेड है लेट टोटल बल्ब प्रोड्यूस्ड टोटल प्रोड्यूस्ड इज टू हंड्रेड तो अगर हंड्रेड बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कह रहा है फिफ्टी परसेंट बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं इवन से ट्वेंटी फाइव परसेंट ई टू से ट्वेंटी फाइव परसेंट ई थ्री से यानी फिफ्टी इवन से ट्वेंटी फाइव ई टू से और ट्वेंटी फाइव ई थ्री से ये हमने हंड्रेड मान लिया है अपनी सुविधा के लिए अपने कन्वीनियंस के लिए कह रहा है ऑफ द टोटल आउटपुट जो भी टोटल आउटपुट आ रहा है उस टोटल आउटपुट में से फोर परसेंट बल्ब जो है वो डिफेक्टिव हैं फोर परसेंट बल्ब डिफेक्टिव हैं किसमें 4% फोर परसेंट बल्ब डिफेक्टिव हैं ईवन से ठीक है तो फोर परसेंट ऑफ हंड्रेड क्या आ जाएगा फोर ही आ जाएगा सो फोर बल्ब डिफेक्टिव है ईवन से फोर बल्ब डिफेक्टिव हैं ई टू से एंड फाइव बल्ब डिफेक्टिव हैं ई थ्री से ठीक है समझ में आया फोर परसेंट बल्ब डिफेक्टिव है ईवन से फोर परसेंट बल्ब डिफेक्टिव है ई टू से एंड फाइव परसेंट बल्ब डिफेक्टिव है E3 से. ये 4%, 4%, 5 की जो बात हो रही है वो टोटल नंबर ऑफ बल्ब की बात हो रही है ठीक है कि टोटल बल्ब में से चार परसेंट चार परसेंट और पांच परसेंट बल्ब डिफेक्टिव है फ्रॉम ईवन ई टू ई थ्री क्या रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी एक बल्ब निकाला जा रहा है वन ऑफ द बल्ब इज पिक्ड एट रैंडम कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव तो हमको ए क्या होगा यहां से ए होगा दैट बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव सो जो बल्ब निकाला गया है वो कैसा है वो एक डिफेक्टिव बल्ब है इवन क्या हो जाएगा हमारे लिए इवन हो जाएगा दैट द बल्ब इज मैन्युफेक्चर्ड बल्ब इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन फ्रॉम मशीन ई वन ई टू हो गया दैट द बल्ब इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन ई टू और ई थ्री हो गया दैट द बल्ब इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन E3. तो हमने E1, E2, E3 कर लिया अब क्योंकि यहाँ पे तीन इवेंट्स की बात हो रही है तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा वाला फॉर्मूला लग जाएगा सो so, लंबा वाला फॉर्मूला क्या होता है पी ए विल भी इक्वल टू पी ई वन इन टू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू पी ए बाई ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए बाय ई थ्री सो यहाँ पे क्योंकि थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिए हैं इसलिए हमने यहाँ पे ये यह फॉर्मूला लगाया अब पी ईवन का मतलब क्या हुआ पी ईवन का मतलब हुआ दैट द बल्ब इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन ईवन तो ईवन से कितने परसेंट कितने बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सो फिफ्टी परसेंट हो रहे हैं सो पी ईवन की वैल्यू हो जाएगी फिफ्टी अपॉन हंड्रेड ई टू की वैल्यू हो जाएगी दैट द बल्ब मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन ई टू ई टू से टोटल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ हंड्रेड एंड ई थ्री से कितने हो रहे हैं अगेन ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ हंड्रेड सो पी इवन पी टू पी थ्री की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली ठीक है अब पी ए बाईन ए इवन का मतलब हो गया दैट द बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन इवन तो इवन से डिफेक्टिव बल्ब कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं फोर परसेंट सो ए बाई इवन की वैल्यू हो जाएगी फोर बाई हंड्रेड सिमिलरली ए बाई टू मतलब बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाई मशीन ई टू सो ये कितने हैं ये अगेन है फोर बाई हंड्रेड एंड ए बाई थ्री का मतलब हो गया बल्ब मैन्युफैक्चर फ्रॉम मशीन ई थ्री वो डिफेक्टिव हैं सो ये कितने हैं फाइव बाई हंड्रेड ठीक है सो so, इसको टोटल को सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है सो so, इसको सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आंसर आएगा कमेंट में लिख के बताइएगा ठीक है सो ये क्वेश्चन देखने में बहुत हैवी लगता है देखने में बहुत मुश्किल लगता है पर बहुत हलवा है बस जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करिए सबसे पहले ए को आइडेंटिफाई कीजिए जिसकी प्रॉबिलिटी ऑलरेडी निकालनी है ईवन ई टू ई थ्री ये वो वाले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ए की प्रॉबिबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है ठीक है उनको ईवन ई टू थ्री डिनोट कर दीजिए फिर उसके बाद बस फॉर्मूला लगा दीजिए और वैल्यूज निकाल लीजिए वो सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी होंगी ठीक है चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कितने क्वेश्चन और बचे हैं दो क्वेश्चन और बचे हैं देखिए सो so कह रहा है एन अर्न कंटेन्स टेन वाइट एंड थ्री ब्लैक बॉल्स वाइल अनदर अर्न कंटेन्स थ्री वाइट एंड फाइव ब्लैक बॉल्स टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट अर्न एंड पुट इन टू द सेकेंड अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड अर्न फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड अर्न इज अ वाइट बॉल देखिए क्या कह रहा है सो यह क्वेश्चन कुछ कुछ पहले जैसे क्वेश्चन का है कह रहा है एक अन है उसमें टेन वाइट बॉल्स हैं ठीक है एंड थ्री ब्लैक बॉल्स हैं दूसरा अर्न है उसमें थ्री वाइट बॉल्स है एंड फाइव ब्लैक बॉल्स हैं कह रहा है टू बॉल्स दो बॉल्स यहाँ से ट्रांसफर की जा रही हैं फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकेंड टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकेंड एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड तो यहाँ से एक सेकेंड बॉल यहाँ से निकाली जा रही है सेकेंड अर्न से कह रहा है क्या प्रॉबिबिलिटी है कि बॉल जो निकाली जा रही है सेकेंड अन से वो वाइट है समझ में आ गया होगा सो so, ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने किया था जिसमें एक बॉल ट्रांसफर कर रहे थे इसमें दोनों बॉल ट्रांसफर कर दी दैट्स इट और कोई भी फर्क नहीं पड़ा ठीक है सो so, अब इसमें देखिए इसमें हमारा ए क्या हो जाएगा ए हो जाएगा दैट बॉल ड्रॉन बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड अज्हाइट बॉल ये हो गया एवन क्या हो जाएगा even का, मतलब. Even का मतलब हो गया कि जो बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं वो कैसी है so, जो ball transfer कर रहे हैं, even, वो, दो बॉल्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहां पर दो बॉल्स के बारे में बात करेंगे बोथ बॉल्स आर व्हाइट या तो दोनों बॉल व्हाइट होंगी ई टू क्या हो जाएगा या तो दोनों बॉल्स ब्लैक होंगी ई थ्री क्या हो जाएगा या तो वन बॉल इज ब्लैक वन बॉल इज ब्लैक एंड दर एंड दर इज वाइट सो एक बॉल ब्लैक है और दूसरी बॉल व्हाइट है तो यहाँ पे तीन इवेंट्स बन रहे हैं तीन आउटकम्स आ रहे हैं थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन रहे हैं क्या क्या कि या तो ये दोनों बॉल्स जो ट्रांसफर की गई है वो दोनों की दोनों व्हाइट होंगी या दोनों की दोनों ब्लैक होंगी या एक ब्लैक और दूसरी व्हाइट होगी यही तो हो सकता है भाई इससे ज्यादा तो कंडीशन बन ही नहीं सकती क्योंकि दो बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं तो दो बॉल में यही बन सकता है पिछले क्वेश्चन में क्या था एक बॉल ट्रांसफर कर रहे थे तो एक बॉल या तो ब्लैक होती या व्हाइट होती तो इसलिए वहां पर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे यहां पे क्योंकि दो बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये दोनों बॉल्स में से पहली ब्लैक दूसरी ब्लैक दोनों ब्लैक हो सकती हैं, पहली वाइट दूसरी वाइट दोनों व्हाइट हो सकती हैं, या फिर एक वाइट और एक ब्लैक हो सकती है ठीक है सो so, ये हो गए हमारे ई वन ई टू ई थ्री ठीक है अब हमको बस बेसिक फॉर्मूला लगाना है और बेसिक फॉर्मूला लगा के यहां से इसको सॉल्व करना है सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने पहले किया ये क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज सेम एज द थर्ड क्वेश्चन व सेम एज क्वेश्चन नंबर फाइव ये वाले जो क्वेश्चन है इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है सेकेंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ये सेम है बिल्कुल ठीक है सो so, इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कीजिएगा कोशिश कीजिएगा होता है कि नहीं होता है देखा जाएगा ठीक है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है नीचे कमेंट में आंसर डालिए अगर नहीं हो रहा है तो बताइएगा इसका एक अलग से वीडियो बना के फिर डाल देंगे अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो ठीक है सो so कमेंट में लिखिएगा कि ये सॉल्व हुआ कि नहीं सॉल्व हुआ ठीक है सेम वैसे ही इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कह रहा है एन अर्न कंटेन्स टू व्हाइट एंड टू ब्लैक बॉल्स अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम

बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एक बॉल यहां से निकाली जा रही है इफ इट इज व्हाइट इट इज नॉट रिप्लेन टू दर्न अगर ये तो इसको वापस हम लोग अन में नहीं डाल देते अदरवाइज अगर बॉल ब्लैक निकली है अगर अदरवाइज बॉल ब्लैक निकली है तो इसको हम लोग वापस इस अर्न में डाल देंगे अदरवाइज इट इज रिप्लेस्ड तो जो अगर ब्लैक बॉल निकली है तो वापस अर्न में डाल देंगे कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड बॉल जो है वो ब्लैक होगी अब देखिए इसको फॉर्मूले से करने में बहुत लंबा हो जाएगा इसको डायरेक्टली हम लोग लॉजिक लगा के कर सकते हैं बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा आंसर आ जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन एनडीए में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि एक बॉल निकाली जा रही है रैंडमली अगर वो व्हाइट है तो उसको बाहर कर दिया जा रहा है अगर वो ब्लैक है तो उसको वापस अर्न में डाल दिया जा रहा है ठीक है उसके बाद कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी की तीसरी बॉल इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो थर्ड बॉल होगी वो हमेशा ब्लैक होगी तो देखिए थर्ड बॉल जो है वो हमेशा ब्लैक है थर्ड बॉल जो है हमेशा वो ब्लैक है ठीक है सो थर्ड बॉल को हमने ब्लैक कर लिया थर्ड बॉल को ब्लैक कर लिया देखते हैं सो पहली की दोनों बॉल्स व्हाइट हो सकती हैं फिर थर्ड बॉल ब्लैक हो सकती है या फिर पहली बॉल वाइट दूसरी बॉल ब्लैक हो सकती है या फिर पहली बॉल ब्लैक दूसरी बॉल वाइट और तीसरी बॉल ब्लैक हो सकती है या फिर तीनों की तीनों बॉल्स ब्लैक हो सकती हैं सो so हमने यहाँ पे क्या किया हमने यहाँ से सारी कंडीशंस जो बन सकती थी वो हमने डायरेक्टली यहाँ पे बना ली ठीक है कि फर्स्ट टू ब्लैक है थर्ड ब्लैक फर्स्ट टू वाइट है थर्ड ब्लैक है फर्स्ट वाइट सेकेंड ब्लैक थर्ड ब्लैक फर्स्ट वाइट सेकेंड ब्लैक थर्ड ब्लैक या फिर तीनों की तीनों ब्लैक है ठीक है अब इसकी प्रॉबेबिलिटी निकाले तो या फिर का मतलब होता है बेसिकली और तो या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है ठीक है सो so, ये और की कंडीशन आ गई हमारे पास सो so, इससे देखिए क्या आएगा तो पहली बॉल जो निकाली जा रही है वो वाइट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी टू बाई फोर क्यों क्योंकि टू बॉल्स व्हाइट हैं टू बॉल्स ब्लैक हैं तो टू बाई फोर आ गई अब ये जो बॉल निकाली गई है व्हाइट इसको क्या किया पहली बॉल व्हाइट आई उसको अलग कर दिया अंध से बाहर फेंक दिया ठीक है अब हमारे पास व्हाइट बॉल्स कितनी बची अब हमारे पास व्हाइट बॉल बची वन और ब्लैक बॉल बची टू तो अब नेक्स्ट बॉल व्हाइट निकाली जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन बाय थ्री ठीक है एंड सेकंड बॉल जो निकाली गई उसकी प्रोबेबिलिटी तो एंड एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई सो मल्टीप्लाइड बाय अब देखिए एक और जो बॉल थी व्हाइट वो फिर से निकाली गई ये व्हाइट निकली इसको भी हटा दिया तो अब हमारे पास व्हाइट बची जीरो और ब्लैक बची टू क्या प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड बॉल ब्लैक होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी है टू बाय टू और का मतलब होता है प्लस तो हमने प्लस लगा दिया इसके बाद व्हाइट बॉल निकल ली है अब ये अलग केस खत्म हो गया ठीक है तो ये वाला केस हमने कर दिया यहाँ से खत्म इसके बाद हमने बात की कि हमने जो पहली बॉल निकाली यहाँ से वो पहली बॉल कैसी निकली पहली बॉल निकली वाइट तो पहली बॉल अगर वाइट निकली तो वाइट की प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी सो वाइट की प्रॉबिलिटी हो जाएगी टू बाय एंड दूसरी बॉल ब्लैक निकली इसकी प्रॉब्लिटी क्या है देखिए तो यहां से बॉल व्हाइट निकाल दी तो हमारे पास एक व्हाइट बची दो ब्लैक बची भाई पहली बॉल निकाली व्हाइट निकल गई इसको बाहर कर दिया अब दो में से कितनी बॉल बची एक व्हाइट बची और दो ब्लैक बची तो कह रहा है सेकेंड बॉल ब्लैक निकाली जा रही है इसकी प्रॉब्लिटी क्या है तो इसकी प्रॉब्लिटी हो जाएगी टू बाय क्योंकि अब टोटल बॉल्स कितनी है थ्री और ब्लैक कितनी है टू ठीक थर्ड बॉल भी ब्लैक है तो थर्ड बॉल ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर से हो जाएगी टू बाय थ्री क्योंकि वापस इसी बैग में डाल दिया तो ये वापस एज इट इज कंडीशन हो गई सो थर्ड बॉल ब्लैक है इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई टू बाई थ्री और का मतलब है प्लस फिर से अब थर्ड कंडीशन देखेंगे पहली बॉल ब्लैक निकली तो पहली बॉल ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी है टू बाय फोर एंड अब क्योंकि ब्लैक निकली थी तो उसको वापस अन में डाल दिया फिर हमारे पास दो व्हाइट दो ब्लैक अब जो सेकंड बॉल निकल रही है वो व्हाइट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी टू बाय फोर एंड अब देखिए क्या किया फिर से जो सेकंड टाइम में व्हाइट बॉल निकली उसको कोने में कर दिया अब हमारे बैग में एक व्हाइट बॉल बची और दो ब्लैक बॉल्स बची तो ब्लैक बॉल निकलने की यहां से प्रॉबलिटी क्या हो जाएगी ब्लैक बॉल निकलने की यहां से प्रॉबिलिटी हो जाएगी टू बाय थ्री सिमिलरली और और की जगह लग लिया प्लस तीनों ब्लैक निकलनी है तो पहली ब्लैक निकली प्रोबेबिलिटी टू बाई फोर फिर वापस बैग में डाल दिया तो फिर हमारे पास दो ब्लैक और दो व्हाइट ठीक है फिर से हमने ब्लैक निकाली फिर से उसको वापस बैग में डाल दिया फिर से दो व्हाइट दो ब्लैक तो ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी टू बाय फोर इन सबको ऐड कर देंगे आंसर हमारा फाइनल आ जाएगा दैट इज सो सिंपल तो यहां पर लॉजिक लगाना पड़ेगा यहां पर अगर हम ए डिफाइंड करें ई वन ई टू ई थ्री तो यहाँ पे ई फोर तक बनाना पड़ेगा और ई फोर तक बनाने में लंबा हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सिंपल तरीका यह है कि तीसरी बॉल ब्लैक निकलनी चाहिए तो सारे उसके कंडीशन बना लिया और उसको सॉल्व कर लिया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पर्स कंटेन्स फोर सिल्वर एंड फाइव कॉपर कॉइंस तो एक पर्स है उसमें फोर सिल्वर है फाइव कॉपर कॉइंस हैं ठीक है सेकेंड पर्स है उसमें थ्री सिल्वर है एंड सेवन कॉपर कॉइन्स हैं कह रहा है इफ अ कॉइन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द पर्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कॉपर कॉइन ये 2021 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सैंपल पेपर में आया था 2021 में आईएससी में और ये सीबीएसई में भी इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है सो so, दोनों ही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन है वो सारे ही सारे इंपॉर्टेंट हैं सो कह रहा है एक पर्स है जिसमें सिल्वर है हमको किसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है दैट इट इज अ कॉपर कॉइन तो ए हमने ले लिया दैट द कॉइन ड्रॉन कॉपर कॉइन सो ए हो गया कॉइन ड्रॉन इज अपर कॉइन अब ये जो कॉइन ड्रॉ किया जा रहा है यह कॉपर कॉइन है यह किस पे डिपेंड कर रहा है यह डिपेंड कर रहा है कि फर्स्ट बैग से निकाला जा रहा है या सेकेंड बैग से निकाला जा रहा है तो ईवन हमने ले लिया बैग फर्स्ट से निकाला जा रहा है और ई टू ले लिया बैग सेकेंड से निकाला जा रहा है ठीक है तो उसको अंग्रेजी में लिख लीजिएगा दैट

E2. So a by और a by E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बाईन का मतलब हो गया कि बॉल की कॉइन ड्रॉन इज कॉपर कॉइन फ्रॉम बैग फर्स्ट तो बैग फर्स्ट से कॉपर कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो कॉपर कॉइन कितने हैं? फाइव आउट ऑफ टोटल कॉइन नाइन

इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है सो so बस इतना ही करना है करना क्या है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में ए फाइंड करना है ई वन फाइंड करना है ई टू फाइंड करना है ए वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वन ई टू वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जिनकी वजह से ए पे प्रभाव पड़ता है ए पे इफेक्ट पड़ता है ठीक है, इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ टोटल प्रॉबिबिलिटी थैंक यू सो मच यू आपने पूरी क्लास अटेंड की बहुत मेहनत कीजिए स्टडी हार्ड एंड प्ले हार्डर मेहनत कीजिए बहुत जबरदस्त कीजिए और इसी तरीके से मौज लेते रहिए जैसे भाई अपना मौज ले रहा है ठीक है आपको नोट्स चाहिए प्रोबेबिलिटी के तो वो मैं शेयर कर चुका हूं टेलीग्राम चैनल पे प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस मैं शेयर कर चुका हूँ बस वही क्वेश्चन लगा लीजिए आपके बोर्ड में सेट परसेंट मार्क्स आएंगे जो भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा वो उसी शीट से आएगा गारंटी है मेरी उसके बाहर से नहीं आएगा करीब सौ क्वेश्चन है बस वो सौ क्वेश्चन लगा लीजिए अराउंड एट्टी या हंड्रेड ऐसी कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगा लीजिए पूरी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी बोथ फॉर सीबीएससी एज वेल एज आई क्योंकि कोर्स बिल्कुल सेम है यहाँ पे ठीक है सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एंड कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी चल रहे हैं हमारे ये एक्सक्लूसिव ऑफर्स जल्दी से ले लीजिए तो इसके लिए यश टेन कोड जो है उसको याद रखिए और एप्लीकेशन पे जाइए लर्निंग ऐप पे जाइए यश टेन कोड यूज कीजिए और इस कोड के थ्रू बहुत सारे आपको ऑफर्स और भी मिलेंगे मेरी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। उसके बारे में भी आपको न्यूज़ यहाँ से मिल जाएगी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए मेहनत करके पढ़ते रहिए अगर लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेहनत भी कीजिए क्वेश्चंस कीजिए और बहुत सारी मेहनत कीजिए क्योंकि मेहनत करेंगे तभी आपको कुछ फल मिलेगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा तो सारे वीडियोस देखते रहिए फॉलो करते रहिए साल भर पढ़ाने वाला हूँ पूरी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा एक एक चैप्टर की हंड्रेड मार्क्स की तैयारी कराऊंगा ठीक है सो so, मेहनत करते रहिए एंड लेट्स क्रैकेट ब बाय गॉड ब्लेस यू ऑल